नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, हिम्मत हो तो केरल के गो हत्यारे को रायबरेली बुलाकर दिखाए। स्मृति ईरानी की राहुल गांधी को कड़ी चुनौती। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। ईरानी ने कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं के बयानों को आधार बनाकर प्रहार किया है। आपको बताते चले, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को सीधा चैलेंज दिया है। अमेठी उम्मीदवार ने कांग्रेस से किनारा कर चुके दिग्गजों के कमेंट के आधार पर चुनौती पेश की है। कहा है कि हिम्मत है तो केरल के हत्यारे को रायबरेली में लेकर आए। रिपब्लिक इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्मृति ईरानी ने बेबाकी से राम मंदिर सनातनियों को लेकर कांग्रेस पर वार किया। हाल ही में कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, दिग्गजों ने किनारा कर लिया। गौरव वल्लभ हो या प्रमोद कृष्णम हो या फिर हाल ही में छत्तीसगढ़ कांग्रेस से निराश होकर अलग होने वाली राधिका खेड़ा हो, सब ने पार्टी से दूरी की एक अहम वजह सनातन और श्री राम को लेकर शीर्ष पदों पर बैठे लोगों का रवैया बताया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी। बोले कि राहुल गांधी के पार्टी के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आते हैं तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। मैं चुनौती देता हूं कि उसमें साहस हो तो एक भी मंदिर की पताका को हाथ लगाकर दिखाए। साहस हो तो केरल में गो हत्या करने वाले जिस शख्स की पीठ पर आप हाथ रखते हैं उन्हें रायबरेली बुलाकर प्रचार करें। सनातन धर्म के मानने वाले राम भक्त दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। स्मृति ईरानी ने इंडिया अलायंस में शामिल सपा नेता राम गोपाल यादव के आरोपों को भी सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि प्रभु जहां विद्यमान होते हैं वो न सिर्फ आस्था का विषय है, शायद वो नहीं समझते कि प्रभु वहीं बसते हैं जहां उनकी इच्छा होती है। मंदिर वहीं बनता है जहां बनना चाहिए। राम गोपाल पर भगवान राम का प्रकोप 4 जून के बाद दिख जाएगा, उनके मंसूबे ध्वस्त हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने दावा किया था कि मंदिर के वास्तु में दोष है। कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा और वास्तु ठीक नहीं है, मंदिर ऐसे नहीं बनता, वो मंदिर बेकार है। सवाल में प्रियंका चुनाव नहीं लड़ रही लेकिन उनके खिलाफ प्रचार करने अमेठी पहुंच गई है। स्मृति ईरानी ने प्रियंका को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पीठ पीछे लड़ाई क्यों लड़ती है, हिम्मत हो तो सामने आकर लड़ो। बता दें कि कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में नामांकन के आखिरी दिन पत्ते खोले। चौंकाते हुए अमेठी से राहुल गांधी की जगह लंबे समय से पर्दे के पीछे स्ट्रेटेजी बनाते रहे। किशोरी लाल शर्मा को टिकट थमाया और राहुल की उम्मीदवारी रायबरेली से तय की गई। इसी दिन आम लोगों के बीच पहुंच प्रियंका ने दावा किया था कि वह अमेठी में शर्मा के लिए प्रचार करेगी। हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया था। दावा किया था कि उन्होंने कुछ सहयोगियों के साथ बातचीत में कहा था कि मैं कांग्रेस मैं 32 सालों से ज़्यादा रहा हूँ। जब राम मंदिर का फैसला आया, बनना शुरू हुआ, तो राहुल गांधी ने अपने नज़दीकी लोगों की बैठक में अमेरिका में रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर इशारे पर सलाह पर यह बात कही कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बनाकर हम फैसला पलट देंगे। स्मृति ईरानी का इशारा इसी ओर था।